हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ DIY हेयर स्टाइल्स, जो कि आप पार्टी में कर सकते हो और बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे इस हेयर स्टाइल के साथ। इस हेयर स्टाइल में मैं क्या करूँगी, मुझे 3 पोनीटेल्स क्रिएट करनी है, 1, 2 एंड 3। किस तरह से, मैंने यहाँ से एक सेक्शन लेना है इस तरह का और यहाँ पर एक पोनीटेल मैं क्रिएट कर लूँगी। अपने हेयर्स को अच्छे से आपने नीट एंड क्लीन करके ही ये प्रोसेस करना है और यहाँ पर इन्हें बैक करेंगे और बैक करके इन्हें अच्छे से कॉम करेंगे। कॉम करके यहाँ थोड़े से फ्लिक्स निकाल के आपने यहाँ पर एक पोनीटेल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं एक रबर बैंड ले रही हूँ और रबर बैंड की हेल्प से मैं इसे इसमें यहाँ पे एक पोनीटेल क्रिएट कर रही हूँ इस तरह से, ये देखिए। और इसको मैं अब कॉम कर लेती हूँ। कॉम करने के बाद इसको हमने कर लेना है सेपरेट। अब हमने नेक्स्ट पोनीटेल लेनी है अपने इस डायरेक्शन से और ईयर टू ईयर का सेक्शन लेना है और यहाँ पे एक और पोनीटेल यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। अपने हेयर्स को बिल्कुल मर्ज ना होने दें, सेपरेट ही रखें अपने सभी हेयर्स को। और यहाँ पे हमने ऊपर वाली पोनीटेल को सेपरेट करके एक और पोनीटेल क्रिएट करनी है अपने रबर बैंड की हेल्प से। इस तरह से 2 पोनीटेल्स हमारी हो गई हैं, ये देखिए 1, 2। और अब हमने 3rd पोनीटेल क्रिएट करनी है। जो रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं इन्हें हम होल्ड करेंगे नीचे, इनमें हम करेंगे कॉम्ब अच्छे से और कॉम्ब करके यहाँ पर एक पोनीटेल क्रिएट कर लेंगे। इस तरह तो आप देख रहे हैं हमने इन तीनों को अब कॉम कर लेना है। आपके जो लूज टीथ हैं उनकी हेल्प से आपने इन्हें कॉम करना है। लूज टीथ वाले कॉम जो होते हैं उनकी हेल्प से आपने इन्हें कॉम करना है। तो यहाँ पे आप देखिए 1, 2 एंड 3, 3 पोनीटेल्स हमारी जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारी सेंटर वाली पोनीटेल है, सेंटर वाली पोनीटेल लेनी है। इसको आपने राउंड मूव करना है, बिल्कुल लाइट रखना है और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करना है, बिल्कुल लाइटली, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल लाइट, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अब इसको सेंटर वाली पोनीटेल में हमने इस तरह से राउंड फॉर्म में ले जाकर यहां पर इसे टाई करना है। ये वाली फॉर्मेशन यहां पे हमने इसे टाई अप कर देना है अपने यू पिंस की हेल्प से। ये देखिए इस तरह से ये हमने टाई अप कर दिया। हमारी 2 पोनीटेल्स अभी रेस्ट हैं हमारे पास। अब हमने
डाउनवर्ड वाली जो हमारी पोनीटेल है उसको भी इसी तरह से सर्कुलर मूव करना है, हल्का सा लूज हैंड से इसे थोड़ा सा पुश करें, बिल्कुल ज़रा सा पुशअप देना है, ज़्यादा नहीं करना। और इस तरह से आपने क्या करना है, इसको सेंटर वाली जो है उसके ऊपर अच्छे से इस तरह से राउंड मूव करना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यू पिंस लगाएंगे, यू पिन की हेल्प से इन्हें टाई अप कर देना है। इस तरह से अब हमारी टू पोनीटेल्स जो है इसमें आ चुकी हैं, यानी कि टू को हमने इसमें एडजस्ट कर दिया है। अब हम अपने थर्ड पे चलते हैं, ये है हमारी थर्ड, इसको भी हमने इस तरह से मूव करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन तक। मूव करके आपने इसे पुशअप करना है, हल्का लाइटली, ज्यादा नहीं, हल्का सा पुशअप करके अगेन इसको इसके ऊपर सर्कुलर मूव करना है इस तरह से। और मूव करके हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको भी अपने यू पिन की हेल्प से चारों साइड से इसे लॉक कर देना है। तो ये देखिए हमारा जो बन है वो है रेडी। इस तरह से आप जो है पार्टी बन जो है बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और आपके ये बन बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपके जो हेयर्स हैं ना वो मैसी नहीं होंगे। आपको एक टाइम में एक ही सेक्शन के साथ काम करना है, पहले किसके साथ, बीच वाले के साथ, फिर नीचे के साथ, फिर ऊपर वाले के साथ। और इससे आपका जो है बिल्कुल भी मैसीनेस नहीं आएगी और बहुत ही इजी बन जो है वो बन के रेडी होगा। और इसको आप पार्टी में बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।